गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे और हम निकल रहे हैं सब्जी लाने। यहाँ के सराउंडिंग जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से फ्रेश सब्जी आती है यहाँ पे, और वो सब्जी मंडी हमारे घर से थोड़ी दूर है बट वहाँ पे बहुत ही अच्छी और फ्रेश सब्जी मिलती है, तो आज हम वहीं लेने जा रहे हैं। हम हफ्ते की सब्जी वहीं से लाते हैं, तो आपको भी दिखाती हूँ हमारी हुबली की सब्जी मंडी कैसी है। तो चलिए चलते हैं। अभी सारी दुकानें खुली नहीं है, धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी, 8 बजे तक सब खुल जाती है। ये हमारा वीरभद्रेश्वर टेम्पल है, मटर के रेट तो सुन के मटर लेने का मन ही नहीं कर रहा है। मटर कितने महंगे राज? 200 रुपए बोल रहे हैं। 200 रुपए किलो बोल रहे हैं, बापरे। नहीं होता है, 100-120 तक देखेंगे, 100-120 तक आ जाएंगे तो ले लेंगे। ले ले, पक्के हुए ले, पक्के हुए। हाँ हंडा की तब तक एक दो पके हुए, तो कच्चे ले। बहुत महंगे मटर कितने? सब्जी का भाव तोल करना और सब्जी सही से लेना सिर्फ राज को जाता है। सबसे फेवरेट सब्जी है मटर, दीदी ने हमें मटर दे दिए। व्हाइट 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 कलर का ले, व्हाइट कलर का ಮಂದಿ ये राज के फेवरेट फल, कहीं पे भी दिखते छोड़ता नहीं है राज से। जिन्होंने भी मास्क को सही ढंग से नहीं पहना था उन सब से हम कह रहे थे कि मास्क को सही तरीके से पहनिए। भूख लगती है ना, फिर इतनी सारी सब्जियां खा रही थी, भूख लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, खा लो खा लो। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस। सांबर बहुत अच्छा रहता है, मस्त है सांबर, और मेदू वड़ा भी बहुत टेस्टी रहता है, मस्त है। ये बहुत पुराना होटल है, ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल है इधर ही पीछे है ना, तो सैटरडे को हमको घर से डब्बा नहीं आता था, तो घर में नहीं छोड़ देते होटल में जाने के लिए तब बचपन में। अभी तो टाइम अलग है, सभी बच्चे जाते हैं स्कूल, स्कूल के बच्चे टिफिन के लिए। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, घर से जो डब्बा रहता है स्कूल में और जो टिफिन मिलता था वही खाना पड़ता था। अगर कोई बड़े दिख गए ना होटल में क्या कर रहा था, डांट पड़ती थी। चुपके से आके यहाँ सैटरडे का एक टिफिन यहाँ खा के जाते थे, और बहुत सस्ता भी था, 2-3 रुपए में बहुत कुछ हो जाता था। तो चलिए चलते घर वापस। हर सब्जी 100 के ऊपर है किलो, हर सब्जी 100-150 रुपए किलो है, सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा हो गए। फ्रिज में सब्जियां रखने से पहले फ्रिज को मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ हमेशा। अभी मैंने यहाँ का ये साफ करके रखा है, एवरी वीक जब भी हम सब्जियां लाते तो इस तरह से फ्रिज को साफ करके सब्जियों को स्टोर करते, तो ये जो वेस्ट होता है इस तरह का इसको पूरा हम निकाल देते। फ्रिज हर हफ्ते साफ करेंगे तो ज्यादा मेस नहीं होता है। फ्रिज को महीने में 2 महीने में इस तरह से साफ ना करते हुए फ्रिज को हर हफ्ते साफ कीजिए। गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से भी पोंछ लीजिए सारे रैक्स को, ताकि उसके ऊपर पानी के जो भी दाग है वो ना दिखे और फ्रिज साफ दिखाई देगा। जब भी आप फ्रिज को साफ करेंगे तो फ्रिज के मेन स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, और उसके बाद ही आप पूरे फ्रिज को क्लीन कर लीजिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होती है और फ्रिज साफ करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फ्रिज में सारे चीज़ों को सेट करते वक्त उनको सूखे कपड़े से पोंछ के फिर सेट कर दीजिए। तो पहले वाला सारा सामान सेट हो गया है। अभी जो सब्जियां हमने लाई है उन सब्जियों को सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को छांट लिया है अलग अलग। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है सारी सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां। तो अब सारी सब्जियों को मैं कंटेनर में डाल के उनको पैक करके फिर फ्रिज में रखूँगी। ये लेमन ग्रास है और ये मुझे बहुत पसंद है चाय में डाल के पीने के लिए। लॉकडाउन की वजह से ये मुझे मिला ही नहीं था, बहुत दिनों बाद मिला है। ये रोज़ मैं 2-3 पत्ते सुबह के चाय में पीती हूँ, तो इसको कट करके मैं इस कंटेनर में रखूँगी। तो देखिए ये मैंने कट करके रख दिए कंटेनर में। ये पत्ते सूखने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाती, बट इस तरह से अगर आप कंटेनर में रख देते हो कट करके तो इसका फ्रेशनेस बना रहता है। और ये दो और बचे इसको मैं स्टोर करके रख दूंगी अलग से पैकेट में डाल के, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब इसको फिर से निकालूंगी। तो ये रेडी हो गया है। ये देखिए ये जो मिर्ची है बहुत तीखी मिर्ची होती है, इसे हम गुंटर काई बोलते हैं कन्नड़ा में। तो इस मिर्ची का जो है ये लहसुन मिर्ची अदरक जीरा इन सबको मिक्स ग्राइंडर करके मैं मसाला बना के रखती हूँ सब्जियों के लिए। तो ये शाम को बनाऊँगी मैं, तो इसे मैं भी फ्रिज में शिफ्ट नहीं करूँगी। बस ये मटर है जो उनको छिल के इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी, और धनिया वगैरह जो मेरा पालक सब्जी है इनको भी तोड़ के और एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी। देखिए मेथी को मैंने इस तरह से कंटेनर में रख दिया है, धनिया पालक मटर और ये ड्रमस्टिक इनको भी मैंने कट करके रखे हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया चाय का लेमन ग्रास, तो ये सब अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी इस तरह। चलो ये मेरे ऐसे नहीं बैठते डब्बे, तो मैं इनको ऐसे रख देती हूँ। ये देखिए इनको इस तरह से रख दूंगी और इसके आगे मैं इनको रखूंगी ताकि ये आगे ना आए। देखिए इस तरह से अगर फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे और सारी सब्जियों को सेट करके रखेंगे ऐसे कंटेनर में बॉक्स में, आप उनको बंद करके अच्छी तरह से रख देंगे ना, तो सब्जियाँ भी फ्रेश रहेंगी और आपको जब भी जो भी चीज़ चाहिए वो बहुत जल्दी से मिल जाएगी। ढूंढनी नहीं पड़ेगी फ्रिज के अंदर कि लेमन कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, धनिया कहाँ है, जल्दी से मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो उस बॉक्सेस के ऊपर आपने कौन सी चीज़ रखी उसका नाम भी लिख सकते हैं। शाम के 6 बज रहे फ्रेंड्स, सुबह के 6 बजे से अभी तक के 6 बजे तक मैं इतनी बिजी थी कि मुझे आप लोगों को से बात करने का भी टाइम नहीं मिला। बट आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम रोज़ 2-3 मिनट तक अपने दिल की बातें शेयर करें। तो ये जो टाइम होगा इस टाइम में मैं आपसे थोड़ी बातें करूँगी। आपको ये थॉट कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो घर पर रहना, घर के काम करना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, ये तो चलता ही है, लेकिन जब मेरा एक्चुअल पार्लर स्टार्ट होगा तो मेरा एक्चुअल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं शायद आपके साथ शाम की बातें अपने पार्लर में बैठ के करूँगी या घर आने के बाद करूँगी, बट मैं करूँगी ज़रूर। तो इन सब चक्करों पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो आप भी वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ हो या आप नॉट ओनली वूमन, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। जो आपको पसंद है वो ज़रूर कीजिए। मैंने इस लॉकडाउन में रियलाइज़ किया कि इतने सालों में आफ्टर द मैरिज एंड आफ्टर द बेबीज़, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी जानवी, उसके बाद शायद मैंने वो सारी चीज़ें करना छोड़ दिया था जो मैं कॉलेज और स्कूल में किया करती थी, जैसे कि लिखना, बहुत सारे बुक्स पढ़ना, चेस खेलना, चेस तो मैं स्टेट लेवल तक खेल के आई हूँ, वो तक मैंने छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद, धीरे 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 सारी चीज़ों को छोड़ के बस काम के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, बच्चों को बड़ा करने के पीछे हम लग जाते, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के पीछे लग जाते। ये हमें करना चाहिए ही, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए, बट
खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम पूरे दिन भर में निकालना चाहिए। तो मैं अपने लिए पूरे दिन भर में थोड़ा सा आधा घंटा तो ज़रूर निकालना चाहूँगी, आधा घंटा ही मिलेगा इन सारे कामों के बाद। बट जब वीकेंड्स में घर पे रहूँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी, तभी भी मैं अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालूँगी। तो मैं चेस खेलना स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैं वापस चेस खेल रही हूँ बच्चों के साथ बैठ के, और मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा भी थॉट्स में लिखने मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है। कॉलेज में मेरी एक बुक हुआ करती थी, जो बुक पूरे हॉस्टल में घूमती थी, तो उस तरह के कुछ थॉट्स जो मुझे बहुत पसंद है मराठी में, हिंदी में मैं लिखती थी। और मराठी बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो मैंने स्टार्ट किया। हुबली में एक्चुअली नहीं मिलते बुक्स, बट बेलगाम से मैंने कुछ बुक्स मंगाए तो वो मैं पढ़ रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो मैं कर रही हूँ। आप भी जो आपको पसंद है वो ज़रूर कीजिएगा। दिन भर के कामों के चक्कर में, स्ट्रेस के बीच में आप अपने लिए टाइम निकालिए, आपका पूरा स्ट्रेस उतर जाएगा। मैं तो तीन बच्चों की माँ हूँ, बट इन तीन बच्चों के माँ के पीछे एक छोटी सी लड़की हमेशा रहेगी, जो बुक्स पढ़ने के लिए, चेस खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए भागेगी। तो आपके अंदर में से, आपके अंदर जो बच्चा है, जो वो जो करना चाहता है उसे वो करने दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है फ्रेंड्स, उसको हमें पूरी तरीके से जीना है। हर मिनट को, हर लम्हे को आपको जी भर के जी लेना है, ताकि आप अफसोस ना कर सके बुढ़ापे में कि अरे यार मैंने वो नहीं किया, अरे यार मैंने ये नहीं किया। ये अफसोस तब मत कीजिएगा, आज इस पल को जी लीजिएगा। तो यही आज मेरी मन की बात, फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में या किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।